हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र। वेलकम बैक टू अर्चना की जैन रसोई। आज हम बनाएंगे पाव भाजी मसाला, क्योंकि अगर आप पसंद करते हैं पाव भाजी खाना तो आपके मसाला बॉक्स में ज़रूरी है पाव भाजी मसाला का होना। तो इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ परफेक्ट जैन पाव भाजी मसाला की रेसिपी, जिसे ऐड करते ही आपकी जो पाव भाजी है बिल्कुल ठेले वाले बनाते हैं वैसे ही टेस्टी, वैसे ही यम्मी बनेगी। पाव भाजी स्पेशल इस मैजिक मसाला पाउडर को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पर। इसमें ऐड कर रही हूँ लगभग 2 टेबलस्पून जीरा, 4 टेबलस्पून साबुत धनिया, देन इसमें जाएगा 1 टीस्पून काली मिर्च, देन 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर रहे हैं लौंग, 1 टेबलस्पून सौंफ ऐड की है मैंने, इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी जायपत्री, इससे बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। इसके बाद हमें इसमें दालचीनी के कुछ टुकड़े ऐड करने हैं, 4-5 मैंने छोटी इलायची ली है, देन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चक्रफूल जिसे स्टार फूल भी कहा जाता है, और ये है 2 बड़ी इलायची। नेक्स्ट हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1/2 जायफल यानी कि नटमेग, और बस अब हमें इन सभी चीज़ों को बिल्कुल लो फ्लेम पर इतना भूनना है कि इसमें से बढ़िया सा एरोमा, मतलब एकदम बढ़िया सी खुशबू आने लगे। लेकिन ध्यान रहे ये जो सभी मसाले हैं बिल्कुल भी जलने ना पाए। 3-4 मिनट तक भूनने के बाद हमें इसमें नेक्स्ट ऐड करने हैं 2 तेज पत्ता यानी कि बे लीफ और कुछ लाल मिर्चें। अब इन्हें भी फिर से अच्छे से भून लेते हैं, ध्यान रहे मसाले जलने ना पाए। नेक्स्ट हमें इसे पीसते समय और भी कुछ चीज़ें ऐड करनी हैं, जिसकी वजह से हमारा जो पाव भाजी मसाला है एकदम मार्केट जैसा स्वादिष्ट बनेगा। दोस्तों, इस पाव भाजी मसाला को पाव भाजी में ऐड करने के बाद आपकी जो पाव भाजी है हमेशा टेस्टी बनेगी और इससे कलर भी बहुत ही बढ़िया आएगा पाव भाजी में। तो चलिए, अब ठंडी होने के बाद हम इन मसालों को डाल देते हैं मिक्सी जार में और एकदम फाइन पाउडर में अब मैं इन मसालों को पीस लेती हूँ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं सभी जैन रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना है ताकि जो भी रेसिपीज़ अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना होने पाएँ। अब पीसने से पहले बाकी की चीज़ें भी ऐड कर देते हैं, जैसे कि 1 टीस्पून सौंठ का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून काला नमक, और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर रहे हैं अमचूर का पाउडर। और अब हमें इन सभी चीज़ों को एकदम फाइन पाउडर में पीसना है। तो चलिए इसे ग्राइंड कर लेते हैं। सो लीजिए दोस्तों, पाव भाजी को टेस्टी डिलीशियस बनाने का हमारा मैजिक मसाला पाउडर यहाँ पर बिल्कुल तैयार है, और देखिए एकदम बारीक हमने इसे पीस लिया है। अब किसी भी कंटेनर में भरकर आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, या ताज़ा इन्हें जब जी चाहे तब बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की पाव भाजी मसाला की रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए और आपके जो अनुभव हैं मुझे मेरे चैनल पर ज़रूर शेयर करिए। इस वीडियो को ख़त्म होने से पहले लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।